कुछ रेलवे में ऐसे आकृति वाले क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें आपसे या तो दर्पण की इमेज भी पूछा जा सकता है, जल का प्रतिबिंब भी पूछा जा सकता है, या अगला सीरीज में कि क्या आएगा या इसके समांतर बिल्कुल इसके समान दिखने वाली आकृति कौन सी है, इस तरह के भी आपके क्वेश्चंस इसमें एग्जाम में 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इनसे रिलेटेड भी। तो ये भी आप अच्छे से देखना, समझना और इनकी प्रैक्टिस करना, तभी अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन है पहला, ये बताइए इसमें अगली आकृति कैसी आएगी, कौन सी आएगी? सी। सी क्यों आएगी? एरो एरो और डेढ़ घंटा। देखो फर्स्ट से सेकंड में गए तो जेड विपरीत था, फिर वापस सीधा हो गया, फिर जेड के साथ जाएगा विपरीत हो जाएगा, तो जेड विपरीत किस किस में है? बी और सी में। बी और सी में ए और डी तो हो नहीं सकता, ठीक है, बी या सी में से होगा। फिर इसके बाद हमने देखा एरो, देखे हमने इसके पहले वाला एरो इधर से तो दूसरा वाला इधर से, जस्ट इसके विपरीत हो गया, ये वाला एरो इधर से तो ये वाला एरो इधर से क्या था सर? राउंडेड हो रहा हूँ पूरा, एक पूरा पूरा करी हो रहा है, तो ये वाला ही हूँ मैं और इतना ही हो रहा है। ये इधर हो गया, हाँ फिर घड़ी की दिशा में इधर आ गया, ये ऊपर आ गया तो ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा तो इसका आंसर क्या आएगा? सी आंसर। ठीक है, आप बताओ इसमें कौन सी आकृति है जो दी गई आकृति के से समानता रखती है? सी। सी आ गई, ठीक है, क्योंकि इसको जस्ट रिवर्स घुमा देंगे तो ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बताओ। सी। नेक्स्ट भी नेक्स्ट सी होगा, क्योंकि ये देखो आपने जिस गोले को इसके अंदर रख दिया, इस क्वेश्चन अंदर रख दिया, तो ये सी जैसा दिखेगा। इस तरह से इसमें समानता देखनी है, इसमें क्या हो रहा है उसी आधार पर हमें अगला बताना है। इस मध्य दर्पण इमेज इसमें क्या आएगा बताओ? दर्पण में बाएं का दाया हो जाता है, तो बाय का दाया हो जाता है, ये बोला यही रहेगा, ये वाला होके इधर आ जाएगा, तो ये इसमें ऑप्शन में देख लो कौन सा है, बी। बी ये इधर है और ये इधर है, इसका आंसर बी आ जाएगा, समझ आ रहा है? और लास्ट और इसमें अगर जल प्रतिबिंब पूछता तो ऊपर का नीचे हो जाता है, यानी कि त्रिभुज उल्टा हो जाता है, बाकी ये अपनी जगह पे रहता है, पहले त्रिभुज बनता उल्टा और बाकी गोला ऐसा का ऐसे ही। अब ये लास्ट वाला है, इसमें बताओ कौन सी आकृति समान है? सी। सी सही है, बी आएगा, बी आएगा, हाँ ये हाँ कैसे नहीं सर, सी आए, सी आए, अगर इसको घुमाएंगे इसको ऐसे लेटा देंगे तो ये जैसे देखेगा, ठीक है, इसका आंसर सी है। इस तरह से ये क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, बहुत ही सिंपल होते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन का भी एक ही मार्क्स होता है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन का भी एक ही मार्क्स होता है, तो सरल वाले हमें पहले करने हैं, फिर उसके बाद हमें टफ की ओर देखना है। ठीक है, पूरा पेपर आपको देखना पहले जरूरी है, उसके बाद आप क्वेश्चन को करते जाए। तो और भी मैं आपको कल वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, आप देखते रहिए चलो।